तो Q&A स्टार्ट करने से पहले कुछ हाउसकीपिंग चीज़ें हैं। सारे वीडियोस में सबटाइटल्स कैप्शंस होंगे, तो कोई मेरी मदद कर रहा है। नए वीडियोस में होंगे ही, और जो पुराने वीडियोस हैं वो आप उनको भी कैप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रियन अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है, अगर आपको काम अच्छा लगता है और सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ लोगों ने UPI की मांग करी थी, पेट्रियन में वो ऑप्शन नहीं है, तो मैं UPI लिंक शेयर कर दूंगा। और YouTube मेंबरशिप भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो होपफुली इस वीडियो तक जब रिलीज़ होगा तो वो भी हो जाएगा। मेनली चार कैटेगरीज़ के हैं, एक तो मेरे बारे में, दूसरा YouTube के बारे में, और तीसरा मेरे व्यूज़ के बारे में पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल टॉपिक्स पे। तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन और मास्टर्स इकोनॉमिक्स में करी है, तो मेरी एक फुल टाइम जॉब है, यूट्यूब मैं फुल टाइम ही करता हूँ। एक कंसल्टिंग जॉब है, तो उस जॉब के बाद जितना भी टाइम मिलता है फिर मैं यूट्यूब में ज़्यादातर स्पेंड करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ वेबसाइट पर ज़्यादातर रिलाई नहीं करता, मैं ट्विटर को एज अ न्यूज़ रिसोर्स यूज़ करता हूँ। तो करीब 250-300 लोगों को फॉलो करता हूँ, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, वेरियस अदर एक्सपर्ट्स। तो जो भी वो आर्टिकल शेयर करते हैं और मुझे इंटरेस्टिंग लगता है उसको पढ़ता हूँ। चार वेबसाइट जहाँ मैं एक्टिवली जाता हूँ ट्विटर के जरिए नहीं पर खुद, इंडियन होंगी स्क्रोल, क्योंकि उनके कुछ आर्टिकल्स हिस्ट्री के बारे में स्पेशली बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे, और द प्रिंट, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। अब मैं उन सबसे अग्री नहीं करता, बट आई स्टिल फाइंड दम इंटरेस्टिंग। इंटरनेशनल में आई गो टू vox.com एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि वो एक ब्रॉड ग्लोबल पर्सपेक्टिव देते हैं। सो नो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, आई हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर UPSC, एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो टिप्स फॉर यू। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बुक्स भी हैं उसके बारे में, तो आप प्लीज़ उनको पढ़ लीजिएगा, पर मेरे पास तो कुछ सलाह नहीं है आपके लिए। सो नो, आई हैव नेवर स्टडीड साइकोलॉजी, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, सो आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स एंड आई लाइक वॉचिंग वीडियोज ऑन इट, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। जो भी मैंने साइकोलॉजिकल टॉपिक्स यूज़ करे हैं किसी भी वीडियो में, वो बेस्ड ऑन दूसरे लोगों की रिसर्च या जो दूसरे आर्टिकल लिखे हैं उन्होंने। वाई आर यू नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? So to be honest, I've tried to be active on social media. So Facebook, honestly, मैं ज़्यादा use नहीं करता। तो Facebook page जो भी है channel का, उधर मैं बस जो videos आते हैं उनके link insert कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग Facebook से ही YouTube channel पर जाते हैं। Instagram, I've tried to be active, more active in it. So sometimes I publish the video, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि वो videos share करना चाहते हैं Instagram पर. But to be honest, I'm not very active, and the reason is I just don't have enough time. कि job के बाद अगर मैं एक हफ्ते में एक video ही निकालूँ वो ही काफ़ी है। Twitter पे भी मैं कभी कभी कुछ post कर देता हूँ, पर उधर भी मैं ज़्यादा post नहीं करता। Firstly, I just find the medium too toxic. एक लोग बस एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, लाइक पीपल हु यू नो हु आर वेरी नाइस इन पर्सन, दे जस्ट बिकम वेरी रूड ओवर ट्विटर। एंड सेकेंडली, आई फील दैट ट्विटर पर लोग ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन नहीं कर सकते, लाइक तुम डेप्थ पर नहीं जा सकते, क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है। बहुत ही डीप सवाल है। हाउ आर यू प्रिपेयर टू नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस? फर्स्टली, यूट्यूब इज़ नॉट माई फुल टाइम प्रोफेशन, सो इट हेल्प्स, क्योंकि आई डोंट रिलाई ऑन यूट्यूब फॉर माई सैलरी। मैं पैसों के लिए यूट्यूब नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत यूट्यूबर्स बोलते होंगे, पर एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक फुल टाइम जॉब है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई मेक दीज वीडियोज नॉट फॉर एनी ऑडियंस बट फॉर माई सेल्फ। And I think that's why I'm happy with it, कि मैं इतने views या subscribers के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, और I'm almost disassociated with the channel, तो चाहे views आए या नहीं आए, चाहे subscribers बढ़े या नहीं बढ़े, I'm happy. Initially, I was very obsessed about numbers and views and all of that. तो मैं बार बार चेक करते रहता था, पर अब मैं नहीं करता। Because I do it only for myself, I feel that there is less likelihood that I would be biased. Yes, I do follow European football. I support Chelsea. तो ये भी बहुत common question था कि book recommendations. So I will show it to you. One second. Top 10 book recommendations मैं description में दे दूँगा मेरे हिसाब से, वो बस मेरी राय है, आप उनको देख लेना अगर आपको पसंद आती है या नहीं। तो एक फेज था जब मैं पाकिस्तान के बारे में बहुत पढ़ रहा था और पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स पढ़ रहा था, तो जैसे तो ये अच्छी है,
ये हुसैन अक्कानी की, ये भी अच्छी है। रिपोर्टिंग पाकिस्तान ये मुझे इतनी पसंद नहीं लगी थी, ये अच्छी है। आतिश नसीर की, ये अफगानिस्तान पर है, ये भी अच्छी है। एक फेस था जब मैं कश्मीर के बारे में बहुत पढ़ रहा था, राहुल पंडिता की बुक, ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये भी पढ़ लेना। कश्मीर पर एएस जुलत की, ये पॉपुलर बुक है कश्मीर पर। कर्फ्यू नाइट बशरत पीर, ये भी बहुत अच्छी है। फिर मैं म्यांमार में रह चुका हूँ तो उधर की भी बुक्स पढ़ी थी, ये पढ़ लेना, बर्मीज डेज, जॉर्ज ऑरवेल, इंटरेस्टिंग बुक है। फिर इंडिया पर, पॉलिटिक्स पर पढ़ी हैं जो पॉपुलर बुक हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये द एमरजेंसी, ये भी ठीक ठाक है। बिहार पर अगर पढ़नी हो, ये अच्छी बुक है, ये आई थिंक पटना एयरपोर्ट से ली थी मैंने, ये बहुत अच्छी बुक है, ये ज़रूर पढ़ना। क्रिमिनल्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी, श्याम सरन। मुझे मुगल पीरियड, मुगल हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे विलियम डैलरिम्पल की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है, ये भी पढ़ लेना। फिर एक फिक्शन हिस्ट्री है, ये सीरीज़ है, 6-7 बुक्स हैं मुगल हिस्ट्री पर, अगर आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ सकते हैं। एक इंडियन आईएएस ऑफिसर के बारे में, तो जिन्होंने पूछा था यूपीएससी के लिए, वो पढ़ लेना, आपको शायद इंटरेस्टिंग लगेगी। इट्स लाइक अ सटायर है, फनी, वियर्ड ह्यूमर। टू बी ऑनेस्ट, अब तो मैं बुक्स ही नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मुझे टाइम नहीं मिलता बुक्स पढ़ने का, विच इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट, कि अब मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है और मैं अपना टाइम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ पर बुक्स नहीं पढ़ता, विच इज़ वेरी सैड। तो मैं टॉप 10 बुक रिकमेंडेशंस डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप, ठीक है। अब मुझे सबमिटने दो ये सारी बुक्स। 1 कम्प्लीटली अनरिलेटेड क्वेश्चन, आर यू एन एथिस्ट, एग्नोस्टिक, रैशनल और बिलीवर? एक बार मुझे गूगल करने दो, एग्नोस्टिक का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आई थिंक आई एम एग्नोस्टिक, सो आई नो दैट आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, सो इट्स ईदर बिटवीन एथिस्ट और एग्नोस्टिक। एज इन रिलीजियस, एज इन मैं खुद पूजा पाठ नहीं करता है, कुछ करता नहीं हूँ, लाइक मेरी मॉम बोलती हैं या नानी बोलती हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। आई थिंक एग्नोस्टिक इज़ वॉट मीट्स माई डेफिनेशन, स्पेशली आफ्टर रीडिंग अबाउट द कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी। सो आई यूज़ अ निकॉन D3400। वॉट एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़? आई यूज़ फाइनल कट प्रो। सो देर आर 3 पार्ट्स टू द वीडियो प्रोसेस, फर्स्ट इज रिसर्च, सेकेंड शूटिंग, थर्ड एडिटिंग। रिसर्च कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 4 to 12 आवर्स आई वुड से एटलीस्ट। फॉर टॉपिक्स जहाँ मुझे ज़्यादा पता होता है, विच इज़ यूजली टॉपिक्स ऑन पोलिटिकल डिवेलपमेंट, सो लाइक से टेली इलेक्शंस वुड टेक लेस टाइम बिकॉज देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ न्यू कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं ट्विटर पर वैसे ही फॉलो कर रहा था रिजल्ट्स। बट ऑन अ टॉपिक वेर आई हैव नो क्ल्यू अबाउट एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जैसे इस टेफ्लॉन इमेज, दैट टुक अ वाइल, क्योंकि मुझे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़े थे, न्यूज़ आर्टिकल्स, एंड आई हैड वेरी लिटिल आइडिया। सो शूटिंग टेक्स 1.5 to 2.5 आवर्स, सो एडिटिंग कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 4 to अगेन आई वुड से 12 आवर्स। So overall, I would say a video can take 12 to 24 hours of work. How much do you earn from YouTube? Bahut. Maybe I'll just show. But dikhane se pehle, let me check if I am legally allowed. So I started this channel in May 2018. ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 साल में 1600 US dollars, 1600 USD टू INR कितना हो गया, 1,21,000। सो 1,21,000 कितने महीने में, मान लो 24 महीने में, तो 5,000 रुपये पर मंथ। आई डोंट गेट very high views, I think average views might be 10-15 videos, 100,000, 150,000. In terms of sponsored ads, I've only done one,
100 ईमेल्स आते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स के, जिसमें से 90 बहुत शेडी होते हैं। 2-3 के साथ ही मैं कोई ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज अदर्स आई डोंट रियली लाइक, आई जस्ट इग्नोर इट। एंड टू बी ऑनेस्ट, कॉमेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्टिव नहीं होते। तो कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स होते हैं कि आई डेंट लाइक दिस वीडियो बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन। एंड आई थिंक रीसेंट वीडियो में समवन सेड दैट आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद योर ओपिनियन, पर उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे और हर मेरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया विद एविडेंस, विच आई रियली अप्रिशिएटेड, कि कम से कम उन्होंने पूरा वीडियो देखा, ही डिसएग्रीज एंड ही गेव अ रीजन। सम कॉमेंट्स ईदर वेन दे प्रेज या फिर क्रिटिसाइज यू, पर कोई रीजन नहीं होता उस चीज़ का, सो आई डोंट सी उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। ऐसे इन टर्म्स ऑफ प्रेजिंग ऑल्सो, कई लोग होते हैं जो 2 मिनट होते हैं वीडियो अपलोड होने में, 10 मिनट का वीडियो होता है पर वो लिख देते हैं ग्रेट वीडियो, आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ इट। लाइक अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लें और फिर कमेंट कर दीजिए कि आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, उससे ही मुझे वैल्यू मिलती है। टू बी ऑनेस्ट, नो, आई हैवंट रियली फेस एनी थ्रेट, बट नॉट सिस्टमैटिक थ्रेट्स। सिस्टमैटिक थ्रेट्स आई गेस मुझे एक ही वीडियो में मिली थी, वो थी बहुत पहले, हमने किया था फेक स्पिरिट, फेक बाबास पर, जैसे गुरु राम रहीम, संत रामपाल के बारे में हमने बात करी थी, और उनके शायद एक फॉलोअर्स हैं और एक बहुत IT आर्मी है उनकी, तो उन्होंने बहुत डिसलाइक्स और बहुत कमेंट्स करे थे, तो वो आई गेस एक सिस्टमैटिक तरीका था। तो द यूट्यूब चैनल दैट आई एडमायर इज एक्चुअली वॉक्स, एंड सो व्हेन पीपल से कि योर क्वालिटी इज लाइक वॉक्स और दिस चैनल इज लाइक इंडियन वॉक्स, दैट्स लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गेट। जब शायद हमने चैनल स्टार्ट किया था, आई यूज टू वॉच देयर वीडियोज ऑन रिपीट, कि उनकी स्टोरी लाइन कैसी है, उनकी एडिटिंग कैसी है, और अभी भी मैं जैसे ही वो उनका वीडियो कोई आता है मेरे होम पेज में, इंस्टेंटली आई क्लिक एंड आई वॉच। सो वॉक्स इज द वन। अदरवाइज स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन इंडिया ऑन पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी उन्होंने रिसेंटली 3-4 वीडियोस भी रिलीज करे हैं COVID-19 पर दिल्ली में, दे आर अमेजिंग, एंड द क्वालिटी इज जस्ट सो हाई इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, द एडिटिंग इट्स लाइक सिनेमैटिक, एंड सम ऑफ माय वीडियोस हैव मोर व्यूज देन देयर वीडियोस, एंड आई जस्ट फील लाइक दैट्स सो अनफेयर, क्योंकि उनके वीडियोस इतने बेटर हैं मेरे वीडियोस से। आई थिंक हाउ आई डिफरेंशिएट इज रिसर्च क्वालिटी, फर्स्टली बिकॉज दिस इज नॉट फुल टाइम, आई कैन नॉट डू 2 or 3 वीडियोज एवरी वीक, आई कैन डू ओनली 1 at most 2, सो आई कॉन्ट बीट पीपल ऑन क्वान्टिटी, आई वॉन्ट टू बीट दम ऑन क्वालिटी। सो रिसर्च क्वालिटी इज वेयर आई फील आई डिफ्रेंशिएट। लाइक लोग दो तरीके के कॉन्टेंट बना सकते हैं, जैसे पोलिटिकल करंट अफेयर्स में, एक तो होता है वॉट और दूसरा होता है वाई। तो वॉट हुआ कि दिल्ली के इलेक्शंस हुए क्या, तो रिजल्ट क्या था, तो आपने डिस्कस किया कि इतनी सीट्स आई या ये हुआ या वो हुआ, एंड व्हाई इज कि ऐसा क्यों हुआ। आई फील दैट न्यूज़ चैनल्स कैन कवर द व्हाट वेरी इजीली, क्योंकि वो इतने फास्ट है, उनकी इतनी बड़ी टीम है, तो जैसी कोई न्यूज़ ब्रेक हुई वो उसको कवर कर सकते हैं। जैसे इंडिया चाइना में अगर जो इशू हुआ, वो इंस्टेंटली 9 PM न्यूज़ पर आके वो कवर कर सकते हैं। उनको मैं बीट नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ, मैं उनको बीट कर सकता हूँ क्वालिटी पर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिस इज़ नॉट माई फुल टाइम जॉब, तो एक वीडियो तो मैं बोल सकता हूँ, तो महीने में 4 वीडियोस तो आएंगे, 5 या 6 हो सकते हैं अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम मिला, तो उससे ज़्यादा प्लीज़ उम्मीद मत करना, क्योंकि वो अनलाइकली है। आई डोंट वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वन कि 3 घंटे कुछ न्यूज़ हुई और 3 घंटे बाद ही मैंने वीडियो बना दिया। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगता है वो है कि अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स इशू था, पर फैक्टर्स क्या थे, उसके पीछे रीजंस क्या थे। डू यू गेट ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया बाई BJP ट्रोल आर्मी और बाई एनी अदर पीपल, ये आंसर कर दिया था, नो आई डोंट गेट ट्रोल्ड। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था, हाउ डू यू रिसर्च। टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, सो आई डोंट नो इफ आई कवर दिस, बट मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द रिसर्च प्रोसेस दैट आई डू, बिकॉज आई थिंक आप में से कई लोग को उसका फ़ायदा हो सकता है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है।